क्या चाह रहे हो? तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि सर, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग LHS भी दिया है, RHS भी दिया है, तो हम किसको प्रोसीड करेंगे? LHS को प्रोसीड करें कि RHS को प्रोसीड करें, या किसको प्रोसीड करना आसान रहेगा क्वेश्चन बनाने के लिए? यही पूछना चाहते हो? इसका कोई मतलब जवाब एक हिसाब से नहीं है। आप सिंपल समझ लो कि आप अगर प्रैक्टिस करते हो क्वेश्चन का, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किसको लेके आगे बढ़े। नहीं समझ में आ रहा है आपको, मान लीजिए आप ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किए हैं, तो आप LHS को लेके आगे बढ़ जाएं। और अगर LHS को लेके आगे बढ़ गए, कुछ न कुछ स्टेप के बाद कुछ न कुछ आ गया, लेकिन आपका RHS मैच नहीं कर रहा है, LHS को आप आगे बढ़ाए हो, कुछ न कुछ आ गया है, लेकिन वो RHS से मैच नहीं कर रहा है, तो आप इसको काट मत दो, इसको रहने दो। भैया तुम आए हो ना, मान लो ए को हमने ए बराबर बी करना था, और ए को हम प्रोसीड करते करते सी ला दिए हैं, तो सी तक रुक जाएंगे, फिर हम बी को लेके आगे बढ़ जाएंगे, बी को लेके फिर से आगे बढ़ जाएंगे, बी को अपना सिंप्लीफाई करेंगे, कुछ सिंप्लीफाई करते करते हो सकता है सी आ जाए, ए से सी आया हुआ है ना, और बी से भी अगर सी आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए भी सी है और बी भी सी है, ए भी सी ही है और बी भी सी ही है, मतलब ए और बी भी तो बराबर ही थे ना। समझ में आया बात? तो आपको ऐसे भी कभी कभी क्वेश्चन को करना होता है कि अगर मान लीजिए कि आप LHS को आगे लेके बढ़े और RHS पे नहीं पहुंच पा रहे, उतना दिमाग आपका सोच नहीं पा रहा है, तो आप क्या करो कि इसको काटो मत, इसको रोक के रख लो ए बराबर सी तक, इसको भी प्रोसीड करते करते सोचो कि सी ला दे, अगर सी आ गया तो हम बोलेंगे कि ए भी सी है और बी भी सी है, मतलब ए और बी बराबर थे। क्लियर है? ओके, तो इसका यही लॉजिक है। और एक लॉजिक क्या था कि लगभग 90% क्वेश्चन जो है आपका साइन कॉस में बदलने से बन जाता है, तो साइन कॉस में बदल दो। अब कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन बच्चों का कि सर पहले से ही साइन कॉस में बदला हुआ है, तब क्या करेंगे? ऐसा भी क्वेश्चन होते हैं जो पहले से ही साइन कॉस में बदले हुए होते हैं और प्रूफ करना होता है, तो पहले से अगर मान लो साइन कॉस में बदला हुआ होगा, तो निश्चित रूप से वहां या तो एलसीएम करना होगा या रेशनलाइज करना होगा। या तो आप रेशनलाइज करोगे उस समय, या तो आप एलसीएम वगैरह लेके प्रोसीड करोगे, ए क्यू माइनस बी क्यू वगैरह फार्मूला यूज होगा, बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला यूज होगा, बन जाएगा वो। तो ये एक्चुअली कैसे आता है, ये हम कैसे बोल रहे हैं? प्रैक्टिस से। हमने क्वेश्चन को बनाया है, हमने क्वेश्चन को बना के देखा है कि नहीं क्या करने से होता है, तो वो एक्चुअली वो हार्ड एंड कोई फास्ट रूल नहीं है कि आप ऐसे ही करो, आप प्रैक्टिस करो, करते करते आपको भी हैबिट आ जाएगा कि नहीं किस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से प्रोसीड करते हैं। ओके, चलिए, और भी कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। हाँ तो सुनिए, अभी हम आपको छुट्टी करते हैं, ओके, लेकिन आपका छुट्टी नहीं हुआ है, आप बोलिए फिर बताते हैं। बोलिए जल्दी।